बहुत से लोगों को ना बहुत अलग अलग किस्म के शौक होते हैं, किसी को पेंटिंग का, किसी को राइटिंग का, किसी को डांस का, म्यूजिक का, कुकिंग का। ऑल्दो इसमें से डांस का, राइटिंग का शौक मुझे भी है। मैंने बाकायदा कथक सीखा हुआ है, अब देख के लगता नहीं होगा बिकॉज इट्स बीन ईयर्स मुझे डांस करे हुए, बट यस मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है और साथ ही शौक है मुझे कुकिंग का भी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। रीज़न, आज मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं जब भी कुकरी शो देखती थी मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, बहुत अच्छा लगता था कि नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, नई नई डिशेस सीखने को मिल रही है, टेस्ट करने को मिलती है इसी बहाने से। और पर साथ ही मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, किसी कैफ़े में गई, खाना खाया, उसको रिव्यू कर दिया। मैं चाहती थी कि लोगों को उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों की फूड स्टोरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, मेरा चैनल है, मैं इसमें फूड, ट्रैवल, बहुत सारे चीज़ों पे मैं व्लॉगिंग करती, तो क्यों ना एक ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए जिसमें प्रोफेशनल आम इंसान आके अपनी जो फूड स्टोरीज हैं, जो उनके इनोवेशंस हैं, उनको वो बनाए, लोगों के साथ शेयर करें और इससे हम और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गार्गीज किचन, जहाँ पे आपको नई नई तरह की रेसिपीज देखने को मिलेगी। कुछ लॉस्ट रेसिपीज होंगी तो कुछ नई इनोवेटिव रेसिपीज होंगी। अगर आप में से भी कोई है जिनके पास है ऐसी ही कोई अच्छी अनोखी रेसिपी, लॉस्ट रेसिपीज, नई इनोवेटिव रेसिपीज, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके साथ भी ऐसी ही एक स्टोरी क्रिएट जरूर करेंगे और उसको सबके साथ साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं गार्गीज किचन के पहले एपिसोड। गार्गी, और आप लोगों में से जो भी पहली बार मुझे देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। उसके पास में जो घंटी है उस घंटी को ज़रूर से बजाइएगा, उससे आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और आपकी भी घंटी बजेगी। तो आज जो गार्गीज किचन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, तो मेरे साथ मिस्टर मलय कपूर है, ही इज़ अ शेफ़ इन फैकल्टी ऑफ ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, और आज गार्गीज किचन में पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सो आज के एपिसोड की शुरुआत करने के लिए आप कौन सा पहला डिश है जो चूज़ कर रहे हैं? मैम, हम इस बार आपके लिए लाए हैं, ये है एक लेमन फिश, लेमन बासा फिश। वैसे ये लेमन सोल ओरिजिनली बनती है यूरोपियन कंट्रीज में, और यहाँ पे वो फिश अवेलेबल नहीं थी इसलिए हम उसका बासा वेरिएंट लाए हैं। ओके। और ये जो भी प्रिपरेशन है ये हेल्थ वाइज भी बहुत हेल्दी है, और जो भी यूरोपियन फूड हम देखते हैं उनके कुकिंग मेथड्स, उनका प्रिपरेशन करने का तरीका, वो जो ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं या जो स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही एक हेल्दी वे में होता है। जो हमारे इंडियन फूड प्रिपरेशन है उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि इसमें स्पाइसेस में सिर्फ हम एक आपका ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं। ओके। और कुछ भी नहीं है, और बाकी इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं जैसे ब्लैक पेपर हो गया, सॉल्ट बहुत ज़रा सा है, गार्लिक हो गया, फिर गार्निशिंग में हम फ्लैक्स सीड्स यूज़ करेंगे, ग्रीन अनियन यूज़ करेंगे, और आपकी सौते वेजिटेबल्स हैं इसके साथ। Okay. और ये पूरे एक सैलेड के ऊपर सर्व होगा। Okay. और तो ये टिपिकली लेमन बासा फिश है, और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम फिश को मैरिनेट करके रखेंगे। Okay. एक घंटे के लिए। अच्छा। जिसका मैरिनेशन होगा, जो भी स्पाइसेस हम ले रहे हैं प्लस थोड़ा सा क्योंकि लेमन फिश है तो लेमन जूस के साथ और हल्के से बटर के साथ, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे, और फिर ये एक घंटे के लिए मैरिनेट होगा, उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। Okay. यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि ज़्यादातर जो भी उनकी डिशेज हैं वो या तो रोस्ट हो रही हैं या उसको हम आपका बेक करते हैं। Right. ठीक है, या हम पोच कर रहे हैं तो या ब्रेस कर रहे हैं, तो ये सारे बहुत ही मतलब हेल्दी कुकिंग मेथड्स हैं। राइट। ट्रेडिशनली इंडिया में तो हम ज्यादातर खाना फ्राई ज्यादा करते हैं, डीप फ्राई या फ्राई चीज ज्यादा होती है। राइट। प्लस इसमें ऑयल भी हम बहुत हेल्दी ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल है। ओके। और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होगा, जो हमने बटर यूज लिया है वो भी लो कोलेस्ट्रॉल बटर में लिया है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे मैरिनेशन से। एक हाफ केजी का फिश फिले दिया है। ओके। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसकी सीजनिंग करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट। ओके। थोड़ा सा पेपर। ओके।
थोड़ा सा हम इसमें पार्सली यूज करेंगे, गार्लिक, थोड़ा सा लेमन जूस, अच्छा थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हम इसमें हर्ब्स यूज़ करेंगे जो कि मिक्स हर्ब्स हैं, वैसे आप थाइम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह इस पे कोटिंग लगा लेते हैं इसके बोथ साइड। अच्छा ये वाली जो फिश आप यूज कर रहे हो इसमें कांटे नहीं होते? नहीं, ये बोनलेस फिश मिले हैं। बोनलेस फिश होती है, इसके बस इसका जो ऊपर की स्किन है उसको रिमूव कर दी गई है। हाँ, स्किन रिमूव कर दी गई और बीच का इसका जो स्केलेटन है वो रिमूव हो जाता है और दोनों साइड का फिले निकल आता है एक फिश का। तो ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हम मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए, फिर इसको हम रोस्ट करेंगे अवन के अंदर, और इसके ऊपर एज अ ड्रेसिंग जाता है आपका बटर लेमन सॉस। ओके। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं, मीनवाइल हम जब तक ये मैरिनेट हो रही है अपना सॉस प्रिपेयर करके रख लेते हैं। राइट, थैंक यू। मैम हमारी फिश मैरिनेट हो रही है, अब आप नेक्स्ट क्या बना रहे हैं? तब तक हम मैम इसमें लेमन बटर सॉस बना रहे हैं। ओके। इसमें हम 3 स्पून बटर लेंगे, लखनऊ के हैं? हाँ जी मैम। नवाबों का शहर जो कि जाना ही जाता है अपने अलग अलग टाइप के डिशेस के लिए, खानों के लिए। तो ये कुकिंग में आना कैसे हुआ आपका, मतलब ये आपका बचपन से आपकी हॉबी थी, पैशन था या क्या? मैंने बचपन से मेरी हॉबी थी प्लस होटल मैनेजमेंट मेरा काफी इंटरेस्ट था। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज मेरा कभी इतना कुकिंग के लिए इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब मेरा बिजनेस रहा, केटरिंग का काम रहा, फिर वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ओके। तो वहीं से मेरा एक इंटरेस्ट मतलब वहाँ से अच्छा लगा, क्योंकि सबसे अच्छा होता है जब आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरे आदमी को सर्व कर रहे हैं। राइट। फिर वहाँ से जो आपको एप्रिसिएशन मिलता है। राइट। तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो तभी से ये चीज़ मेरे अंदर आई। और उसके बाद जब मैं एजुकेशन में आया तो ये मेरी हॉबी थी, प्लस नई डिशेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना या अपनी रीजनल कुजीन को यहाँ लेके आना या बाकी जगह की रीजनल कुजीन्स को एक्सपेरिमेंट करना, तो उसके साथ ग्रोथ होती गई, एक्सपीरियंस होता गया। हमारे यहाँ बच्चे भी अलग अलग रीजन से आते हैं, तो फिर वो भी अपने साथ कुछ अच्छा मतलब सीख के आते हैं वहाँ की जो डिशेज हैं, तो उनसे भी हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। राइट। तो आई थिंक खाना एक ऐसी चीज़ है, और अगर आप खासकर होटल मैनेजमेंट में हो या नहीं हो, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को कनेक्ट करता है। आप दूसरे कल्चर की जो चीज़ें सीखते हो, फिर आप अपना कल्चर डिलीवर करते हो, तो आप बहुत ईजीली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ मैम, ये तो मतलब सही बात है, लोगों के मन का रास्ता उनके पेट से ही जाता है। True. आदमी मतलब कुछ भी कह ले, लेकिन खाने को अवॉइड नहीं कर सकता है। राइट। और एक अगर अच्छा खाना हो तो मूड अपने आप अच्छा हो जाता है, चाहे मूड कैसा भी हो। और प्लस आदमी एक्सपेरिमेंट करते ही रहता है, उसको कुछ ना कुछ मतलब रोज नया चाहिए खाने के लिए, तो हमारा वही काम है कि रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। Okay. और बात करते करते ये हमारा ऑलमोस्ट हमने गार्लिक ऐड किया था। Okay. वो डन हो गया है। आपने 3 स्पून बटर में गार्लिक ऐड करा था, थोड़ा सा गार्लिक, और इसमें हम ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून हम लेमन ऐड करेंगे। ओके। और थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा पार्सली। अच्छा, इसको लो आपने कौन सा कैसा फ्लेम रखा है, लो रखना है, मीडियम रखना है, कैसा रखना है? मैम इनिशियली तो आपको थोड़ा लो रखना पड़ेगा। ओके। जिससे वो जल नहीं जाए उसको। हाँ, जिससे वो जल नहीं जाए। ओके। तो आपका फेवरेट फूड खुद का कौन सा है? आप कह लिए कि मेरी फेवरेट वेजिटेबल तो पोटैटो है। Okay. तो उसके जितने भी वेरिएशन निकल सकते हैं, फ्रॉम जीरा आलू टू चटनी के आलू, या जितनी भी चीजें बनती है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो मेरी सारी फेवरेट है। फिर सेकंड आता है चिकन। ओके। उसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, और खासकर जब लखनऊ जाते हैं तो टुंडे कबाबी है, वहाँ की बिरयानी है। हाँ। चिकन मसाला है या कोरमा है, तो वो सारी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं।
आई हर्ड अ लॉट अबाउट टुंडे कबाब एंड लखनऊ की बिरयानी तो खैर वर्ल्ड फेमस है. मैंने इनफैक्ट कई बार ट्राई भी किया है घर पे, यूट्यूब से खुद ने देख करके सीख करके मैंने काफ़ी ट्राई भी किया है. एग्जैक्ट वो चीज़ तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी हद तक बना है. तो ये चीज़ें मैंने भी काफ़ी कोशिश करी लेकिन पूरी उस तरीके से नहीं बन पाती क्योंकि वो लोग अपने जो भी मेथड है या जो भी स्पाइसेस है वो रिवील नहीं करते किसी को. तो लेकिन वही है कि अब जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के खाने का अलग है. अब मैं रोज़ वही खाना खाऊंगा तो बोर हो जाऊँगा. right. प्लस अब मैं यहाँ पे कॉलेज में ज़्यादातर हमारे इटालियन है या पॉन्टी है, हम ये सब खाते रहते हैं. तो फिर घर जाते हैं तो फिर हमें घर का खाना चाहिए. तो वही चीज़ और घर वाले हैं तो उनको ये है कि उनको कुछ अलग खाना है. राइट right. तो ये चीज़ें हैं. और मीन भाई ये हमारा सॉस रेडी हो गया है. ओके okay. साइड में रख देते हैं. ओके okay. और हम अपनी फिश को ले राइट right. ये जी बिल्कुल ये आपकी फिश बन गई. फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है. घंटा हो चुका है हमारी फिश मैरिनेट होके तैयार हो चुकी है बिल्कुल. हाँ जी अब हम इसको ट्रे में इसको हम प्लेस कर देंगे. ओके फिर इसको हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे. 10 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे. अच्छा रोस्ट करेंगे. तो ये आपने ट्रे में फॉइल पेपर से पूरा इसकी एक प्लेटिंग कर ली है. हाँ तो आप इसमें लाइक है ना आप इसमें डायरेक्टली ये फिश को रख रहे हैं तो ये चिपक नहीं जाएगी, मतलब इसमें कुछ ऑयलिंग वॉइलिंग भी करनी होती है? मैं ऑलरेडी फिश के अंदर थोड़ा सा फैट होता ही है प्लस हमने इसमें बटर और ऑयल ऐड किए था. राइट तो वो उसको मतलब मदद करेगा कुक होने में. ओके तो इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है मैं अलग से ऑयल ज्यादा ऐड कर लूंगी. ओके तो ये हमारी फिश अभी रोस्ट होने के लिए ग्रिलर में चली गई. हाँ ओके तो ये 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं. ओके और मीनवाइल हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं. इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें देनी हैं. ओके तो सबसे पहले तो हम अपनी जो भी वेजिटेबल्स हम दे रहे हैं उनको हम सौते कर लेते हैं. ओके तो मैम अब हम प्लेटिंग करने जा रहे हैं. ठीक है हम लेटस यूज करेंगे. ये तो आइसबर्ग लेट्यूस है और ये लोलो रोसो है. संग में थोड़े टमाटोज हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिल्ड फिश रखेंगे, उसके ऊपर सॉस प्लेस करेंगे और उसके साइड में हम जो भी अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स हैं ये हम देंगे. एक मैम क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्गीज किचन, ये मतलब कैसे आपको ख्याल आया और कैसे आपकी शुरुआत हुई? एक्चुअली जैसे आप मुझे जानते हो हम लोग एक इवेंट पे ही हमारी मुलाकात हुई थी व्लॉगिंग के टाइम पे. तो मेरे हस्बैंड को कुक करने का बहुत ज़्यादा शौक है. इनफैक्ट एक टाइम था जब वो खुद भी होटल मैनेजमेंट करना चाहते थे बट सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं कर पाए. एंड शादी से पहले मेरा खाना बनाने से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था. तो शादी के बाद लाइक माई हस्बैंड ही लव्स टू कुक, ही लव्स फूड. तो फिर मेरा कुकिंग के साथ मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ कि चलो ठीक है चीज़ें बनानी है, नई नई चीज़ें सीखनी है. और फिर कुकरी शोज़ वगैरह जैसे मेरे हस्बैंड एज आई टोल्ड यू कि हस्बैंड को शौक था तो वो कुकरी शोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं. तो उसके साथ साथ में मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कुकरी शोज़ को लेकर के. तो जब भी लाइक मैं कुकरी शो देखती थी और मैं खुद बंगाली हूँ तो बंगालीज जाने भी जाते हैं अपने की बहुत सारी चीज़ों के साथ में एक खाने के लिए भी जाने जाते हैं. तो खाने का तो मतलब खाना तो पसंद था, बनाना पसंद नहीं था पहले. लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर चीज़ें नोटिस करी, कुकरी शोज़ देखती थी, बहुत सारे बुक्स रेफ़र करी, तो आई केम टू नो कि बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं, लॉस्ट रेसिपीज होती हैं जो पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी के टाइम पे ना बनाई जाती थी. अब क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट 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 हो चुका है, शॉर्टकट्स, बस दो मिनट में हमें हर चीज़ चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं वो जो बेसिक हमारे जो रूट्स थे हमारे खाने को लेकर के हम कहीं ना कहीं वो छूटता जा रहा है. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनोवेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को बता ही नहीं पाते हो. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू समथिंग, एक ऐसा कोई मैं शो करना चाहती थी जहाँ पे खाने से रिलेटेड लोग अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, कोई नई डिश उनको बनानी आती है तो वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. इससे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक कल्चरल एक ना एक्सचेंज भी होता है, आप एक कनेक्शन बढ़ता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट गार्गीज किचन जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं आम इंसान भी यहाँ पे आएंगे. इनफैक्ट मैंने अप्रोच करा भी है और मैं अप्रोच करने भी वाली हूँ बहुत सारे लोगों को कि अगर जो आम इंसान भी है अगर उनके पास कोई अच्छी डिश की स्टोरी है, कोई फूड स्टोरीज हैं तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं तो मैं उनके साथ शूट करूंगी और बाकायदा पूरा प्रॉपर शूट के साथ मैं लोगों के साथ ये स्टोरीज उनकी शेयर करूंगी. चलिए बेस्ट ऑफ लक मैम. थैंक यू. फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ये हमारी प्लेटिंग ऑलमोस्ट सेट हो गई है. साइड में
इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आई एम श्योर। और वैसे भी मैं बंगाली हूँ, मेरे को फिश तो मेरी सबसे पहली पसंद में आती है। ऑलमोस्ट डन। या हियर इज द प्लेट कम्स। हमारी ये फिश पूरी बन के तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर आप अभी गार्निशिंग करेंगे। हाँ, इसमें गार्निशिंग में एक तो लेमन जाएगा इसके ऊपर। ओके। और थोड़ी सी फ्लेक्स सीड्स और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। और जो सॉस हम आपने बनाई थी ड्रेसिंग करेंगे। तो ये जो आपने डिश बनाई है ये बेसिकली मेन कोर्स में सर्व होती है या फिर स्टार्टर्स में? ये मेन कोर्स में जाती है। ओके। और इसको हम किस चीज़ के साथ में और खा सकते हैं? मैम, इसके साथ आप कोई ब्रेड ले सकते हैं या राइस के साथ भी इसको खाया जाता है। ओके। लेकिन हमने जो बनाया है ये सैलेड के साथ है, तो ये अपने आप में अपने आप में पूरी मील है। राइट। और बहुत ही हेल्दी मील है आई मस्ट से। श्योर। सो दिखने में ये बहुत ही यम्मी लग रहा है एंड आई एम श्योर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। लेट मी ट्राई दिस। वेरी टेस्टी। थैंक यू। सीरियसली वेरी टेस्टी। और इसमें जो आपने ये सॉस ऐड करा ना, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेस्ट इसमें एनहेंस हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस लर्न सच अ ब्यूटिफुल डिश एंड आई एम श्योर ये मेरे व्यूअर्स भी ज़रूर से ट्राई करेंगे। और व्यूअर्स तो करें ना करें, मैं ज़रूर से ट्राई करने वाली हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू मिस्टर मलय हमें इतनी अच्छी डिश बना के खिलाने के लिए और सिखाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी ही हम और भी डिशेज़ आपसे यूँ ही सीख सकेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके पास ऐसी बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपीज आती रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।